Hello and assalamu alaikum to lecture 6 of ReactJS beginner to expert level course. Last lecture mein humne seekha hooks ka topic. Hooks mein humne dekha use state, use effect, use memo, use callback, use ref aur custom hooks banane ka tarika. Aaj ke lecture mein hum wohi sare concepts jo ke humne pichle lecture mein seekhe hain implement karenge apni e-commerce app mein जो कि हमने थर्ड लेक्चर में बनाई थी. इसके अलावा आज मैं आपको दो एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज यूज़ करना सिखाऊंगी जो कि रिएक्ट की एप्लीकेशन में काफ़ी हद तक यूज़ होती और काफ़ी पॉपुलर भी हैं. तो आए स्टार्ट करते हैं कोडिंग से. सो, हमने खोल ली अपनी ई कॉमर्स ऐप जो कि हमने पहले बनाई थी. इसके कॉम्पोनेंट्स फोल्डर में देख लेते हैं हमारे पास कितने कॉम्पोनेंट्स हैं. सो, इस कॉम्पोनेंट्स फोल्डर में हमारे पास कार्ट, हेडर, आइटम कार्ड, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट पेज पांच कंपोनेंट्स हैं. इसके अलावा हमारा एक मेन कंपोनेंट है ऐप डॉट जे एस. तो यहाँ पे सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे ऐप डॉट जे एस को हुक्स में. आप एस आर सी में एक न्यू फोल्डर बनाएंगे हुक्स का और यहाँ पे आप अपना ऐप डॉट जे एस डाल देंगे. अब इस ऐप डॉट जे एस और जो हमारी क्लास कॉम्पोनेंट वाली ऐप डॉट जे एस है दोनों को साइड बाई साइड खोल लेते हैं. तो मेरा क्लास कंपोनेंट है, ये हमारा हुक है. सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें इंपोर्ट करवाई हुई हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे इंपोर्ट करवा देते हैं और पार्ट्स को चेक कर लेते हैं. सो, यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में देख लेते हैं हमारे पास कौन सी स्टेट है. पार्ट ओपन की स्टेट है तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट करवा लेते हैं यूज स्टेट को और यहाँ पे हम अपनी स्टेट बना लेते हैं पार्ट ओपन और सेट पार्ट ओपन इज इक्वल टू यूज स्टेट और यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू फॉल्स भेज देते हैं. यहाँ पे हमारी एक ही स्टेट यूज़ हो रही है. सेकेंड चीज़ जो हमने करवानी है वो ये कि ये काम जो हमने करवाया हुआ है यानी कि हमने अपने कंपोनेंट को रैप करवाया हुआ है कनेक्ट के कंपोनेंट के अंदर और ये काम हम इस तरीके से करवाएंगे कि ये एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे अपना कंपोनेंटेड माउंट. कंपोनेंटेड माउंट एज ए सेट हम यूज़ इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं ये बिहेवियर रेप्लिकेट करने के लिए. सो, यूज़ इफेक्ट में हम क्या कर रहे थे कि जब भी क्लिक हो आपके मोडाल की विंडो के अलावा कहीं भी और तो आपका मोडाल क्लोज हो जाए. तो यही काम हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से करवा लेंगे कि यूज़ इफेक्ट यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे. इस फंक्शन में हम इसको कॉपी कर लेंगे. रिमेंबर दिस का कीवर्ड हटा देंगे और इस हैंडलर को डायरेक्टली यूज करेंगे हैंडल क्लिक आउटसाइड को और अनमाउंट पे इसको साथ ही अनमाउंट भी करवा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव इवेंट लिसनर और इसके अंदर हम सेम आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे और यहाँ बेसिकली ये रिटर्न हो रहा होता है हमारे पास एक फंक्शन. तो ये हमने बना लिया है अपना कॉम्पोनेंटेड माउंट. एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे डिनोट करती है कि कॉम्पोनेंटेड माउंट है. अब हम बना लेते हैं अपना हैंडल क्लिक आउटसाइड का हैंडलर. कॉन्स्ट से इसे डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पे जहाँ भी हमने दिस डॉट स्टेट किया हुआ है डायरेक्टली अपनी स्टेट को यूज़ कर लेंगे और जहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट किया हुआ है वहाँ पे हम सेट कार्ट ओपन और इसको फॉल्स सेट कर देंगे. नेक्स्ट हम बनाएंगे ये तीनों हैंडलर्स.
और इसके अंदर यहाँ पे हम स्टेट सेट करवा रहे हैं ट्रू, तो ये हो जाएगा सेट कार्ट ओपन ट्रू। यहाँ से कंसोल स्टेटमेंट हटा देते हैं। इफ कंटिन्यू शॉपिंग पे हमने चेक करना है, इफ कार्ट ओपन इज ट्रू देन सेट स्टेट टू फॉल्स। यहाँ पे हम हिस्ट्री में पुश करवा रहे हैं, रेंडर हम करवाएंगे सेम JSX को, और यहाँ पे हम ऑन कार्ट क्लिक को एज इट इज सेंड कर देंगे, कार्ट ओपन भी एज इट इज सेंड हो जाएगा। ऑन कंटिन्यू शॉपिंग हैंडलर और हैंडल रीडायरेक्ट ऑन कार्ट टू कार्ट भी एज इट इज सेंड हो जाएगा। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं सेव करके। नेक्स्ट काम जो हम करेंगे वो ये है कि हम index.js में जाएंगे और index.js में यहाँ पे जो ऐप कॉम्पोनेंट इम्पोर्ट हो रहा है वो सोर्स डायरेक्टरी से गेट करने के बजाय हम हुक्स के फोल्डर से इस तरीके से गेट करते हैं। यहाँ पे एक्शंस भी इम्पोर्ट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमने हैंडलर्स बनाए हैं उनमें जहाँ भी हम प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं उन प्रॉप्स को हम टॉप पे डीस्ट्रक्चर करवा लेंगे और फिर नीचे यूज़ कर लेंगे। सो जैसे ऑन कार्ट क्लिक पे हम यूज़ कर रहे हैं इंक्रीज क्वांटिटी, तो यहाँ से दिस डॉट प्रॉप्स को हमने रिमूव किया और जहाँ पे हमने स्टेट डिफाइन की हुई है उसके टॉप पे हम डीस्ट्रक्चर करवा लेंगे अपनी प्रॉप्स को। सो यहाँ पे हम इंक्रीज क्वांटिटी, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास प्रॉप से आ रहा है अपडेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, एंड दैट्स इट आई गेस। यहाँ से दिस डॉट प्रॉप्स को रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम हिस्ट्री जो गेट कर रहे हैं वहाँ से भी हम दिस के कीवर्ड को रिमूव कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पेज का कंपोनेंट या ऐप कंपोनेंट बेसिकली प्रोडक्ट पेज का नहीं ऐप कंपोनेंट परफेक्टली रेंडर हो गया है, जो कि अभी प्रोडक्ट पेज को और कार्ट पेज को रेंडर कर रहा है जो कि अभी भी क्लास कंपोनेंट्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप पे हमने कन्वर्ट किया अपनी app.js को एक हुक कंपोनेंट में। अब हम बाकी कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। प्रोडक्ट पेज डॉट js में जाते हैं तो ये ऑलरेडी हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हुआ है और इसमें ना हम स्टेट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने एक डम्प कंपोनेंट सॉर्ट ऑफ रखा हुआ है और ना लाइफ साइकिल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस कंपोनेंट में तो हमें कोई ख़ास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डॉम मैनिपुलेशन भी नहीं हो रही जिसके लिए हम ref को यूज़ करना चाहें या कोई और इस तरह की म्यूटेशन भी नहीं हो रही है किसी वेरिएबल के साथ, लिहाजा ये कंपोनेंट तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट हम देख लेते हैं हेडर का। हेडर भी हमारा एक डम कंपोनेंट है, सिंपल एक JSX रिटर्न कर रहा है और इसमें कुछ फंक्शनैलिटी नहीं है। आइटम कार्ट का भी हमारा कंपोनेंट जो है इसमें भी कोई ख़ास फंक्शनैलिटी नहीं है, सिंपल ये एक JSX रिटर्न कर रहा है। प्रोडक्ट और js को देख लेते हैं, ये भी एक डम कंपोनेंट है जिसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं कार्ट डॉट js को। सो इफ़ यू रिमेंबर हमने कार्ट डॉट js में लाइफ साइकिल मेथड्स कुछ लिखे थे जिनमें हम टोटल प्राइस को जो है अपडेट करवा रहे थे, बिकॉज हमारे कार्ट पेज की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप क्वांटिटी चेंज करें तो आपकी टोटल प्राइस उस हिसाब से चेंज हो जाए। उसके लिए हमें ज़रूरत थी कि हम कंपोनेंट डेट माउंट और डेट अपडेट पे अपना एक्शन डिस्पैच करवाएं जो कि हमने रिडक्स लाइब्रेरी यूज़ करते हुए बनाया था, जो कि यहाँ पे है अपडेट टोटल प्राइस। तो इस कंपोनेंट को डेफिनेटली हम हुक्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जब इसे हम हुक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना
इसका कोड रिड्यूस हो जाएगा और ये फाइल कितनी मिनिफाई हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड। तो यहाँ पे हुक्स फोल्डर में मैंने एक और कंपोनेंट बनाया है cart.js। दोनों कंपोनेंट्स को साइड बाय साइड खोल लेते हैं। ये मेरा क्लास कंपोनेंट है राइट साइड पे और ये मेरा हुक कंपोनेंट है लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट में पास करवा रही हूँ प्रॉप्स और इसकी रीज़न ये है कि बिलो दिस कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट में भी आप देख सकते हैं हमने कुछ स्टेट्स को एज प्रॉप्स सेंड किया हुआ है इस कंपोनेंट के अंदर और साथ ही हमने कुछ यहाँ पे एक्शन क्रिएटर्स क्रिएट किए हैं जो कि हम सेंड कर रहे हैं इस कंपोनेंट कार्ट को और यहाँ पे हम कनेक्ट का HOC यूज़ कर रहे हैं जो कि ये हमें दोनों प्रॉप्स प्रोवाइड कर रहा है इस कंपोनेंट के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस कंपोनेंट में चाहिए हैं प्रॉप्स तो हम यहाँ पे पास करवा देंगे प्रॉप्स। सेकंड काम जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम प्रॉप्स से जो भी हमें वैल्यूज चाहिए उन्हें डीस्ट्रक्चर करवा रहे हैं जैसे कि सेलेक्टेड आइटम्स चाहिए हमें अपडेट टोटल प्राइस का एक्शन क्रिएटर चाहिए इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज क्वांटिटी भी हमारे दोनों एक्शन क्रिएटर्स हैं ये चाहिए और इसके अलावा टोटल प्राइस की स्टेट चाहिए हमें जो कि हमारे रिडक्स से आ रही है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वापस क्लास कॉम्पोनेंट में जाते हैं और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक कॉम्पोनेंट डेट माउंट का लाइफ साइकिल मेथड है और एक कंपोनेंट डेट अपडेट का लाइफ साइकिल मेथड है। हम कर क्या रहे हैं कि जब हमारा कंपोनेंट माउंट होता है तो हम अपनी टोटल प्राइस को अपडेट करवाते हैं और उसमें सेंड कर देते हैं अपने जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किए हों आइटम्स। इसी तरह जब कोई मैनिपुलेशन होती है कार्ट पेज में फॉर एग्जाम्पल क्वान्टिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई अगेन हमारी जब सेलेक्टेड आइटम्स के अंदर क्वान्टिटी की वैल्यू चेंज होती है तो हम ट्रिगर करवाते हैं अपडेट टोटल प्राइस के एक्शन को और उसे डिस्पैच करते हैं और साथ ही हम अपनी लेटेस्ट सिलेक्टेड आइटम्स को सेंड कर देते हैं। तो इसको हमने हुक्स के कंपोनेंट में इस तरीके से अचीव किया है कि हमने एक हुक यूज़ किया यूज़ इफेक्ट का जैसे कि हमने पहले पढ़ा और इसमें हमने सिंपली अपडेट टोटल प्राइस का कंपोनेंट हमने इसमें अपडेट टोटल प्राइस का फंक्शन या एक्शन डिस्पैच करवाया है और उसमें सेंड किया है सेलेक्टेड आइटम्स को। और उसके बाद हमने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप किया है कि हमने डिपेंडेंसी एरे में सेलेक्टेड आइटम्स की वैल्यू सेंड करवा दी है। अब इसका ये मतलब होगा अगर यहाँ पे मैं एम्प्टी एरे रखती तो ये मेरा यूज़ इफेक्ट कॉम्पोनेंट डेड माउंट के बिहेवियर को एग्जैक्टली कॉपी कर लेता और फर्स्ट टाइम कॉम्पोनेंट माउंट होने पर रन होता। बट इफ़ यू नोटिस तो हमने कंपोनेंट डेट अपडेट में भी एग्जैक्टली यही लॉजिक लिखी हुई है। फ़र्क ये है कि सिर्फ हम कंपेयर करवा रहे हैं कि अगर हमारे सेलेक्टेड आइटम्स प्रीवियस और नेक्स्ट प्रॉप्स में सेम नहीं है सिर्फ तब हम ये अपडेट टोटल प्राइस कर एक्शन डिस्पैच करें। तो वो काम हम यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में अगर सेलेक्टेड आइटम्स को सेंड कर देंगे तो यूज़ इफेक्ट खुद ब खुद हैंडल कर लेगा और हैंडल इस तरीके से करेगा कि जब भी उसके पास सेलेक्टेड आइटम्स डिफरेंट आएंगे फ्रॉम इट्स प्रीवियस वैल्यू तो वो खुद ब खुद इस इफेक्ट को ट्रिगर कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काम हम दो लाइफ साइकिल मेथड्स में करवा रहे थे और सॉर्ट ऑफ हमारी लॉजिक जो है वो रिपीट हो रही थी वो यहाँ पे हमने दो लाइन्स लिख के कोड की और वो अचीव कर लिया है। नेक्स्ट हमने क्लास कॉम्पोनेंट में दो हैंडलर्स बनाए थे हैंडल इंक्रीमेंट और हैंडल डिक्रीमेंट के जिसमें हम दो एक्शन पास करवा रहे थे। जिसमें हम दो एक्शंस पास करवा रहे थे इंक्रीज क्वांटिटी और डिक्रीज क्वांटिटी के। सेम हमने ये काम यहाँ पे किया है हैंडलर्स को हमने कॉपी कर लिया है। दिस डॉट प्रॉप्स के बजाय डायरेक्टली हम इंक्रीज क्वांटिटी यहाँ पे कॉल कर रहे हैं बिकॉज हम ऑलरेडी ऊपर डी स्ट्रक्चर करवा चुके हैं प्रॉप्स से और इसके अलावा हमने अपनी कॉम्पोनेंट को एक कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर रखवाया है जैसे कि हम हुक्स में रखते हैं। ये काम हमने हैंडल डिक्रीमेंट के लिए किया है। नेक्स्ट अब बारी आ जाती है JSX की तो वो काफ़ी हद तक दोनों कंपोनेंट्स में सेम है सिवाय यहाँ पे हमने ऑन क्लिक पे दिस डॉट हैंडल इंक्रीमेंट को कॉल किया हुआ है जबकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली अपने दोनों मेथड्स को पास करवाया हुआ है हैंडलर्स को पास करवाया हुआ है विदाउट यूजिंग
दिस कीवर्ड। इसके अलावा बाकी नीचे मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स एज इट इज़ हमने कॉपी कर दिया है क्लास कॉम्पोनेंट से, क्योंकि हुक कॉम्पोनेंट्स में इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरीके से हमने अपने कार्ट के कॉम्पोनेंट को चेंज कर दिया है। अब अपनी चेंजेस हम इसके बाद हम ऐप डॉट जे एस में गए हैं, जो कि हमारे हुक्स के ही फोल्डर में रखा हुआ कॉम्पोनेंट है। और इसमें हमने जहाँ से हम कार्ट यूज़ कर रहे थे वो कॉम्पोनेंट वाला कार्ट उठाने के बजाय हमने हुक्स के अंदर वाला ही कार्ट यूज़ कर लिया है, यानी कि हमने यहाँ पे पाथ चेंज कर दिया है। और पाथ चेंज करने के बाद अब हम वापस जाते हैं ब्राउज़र पे और चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट सही चल रही है या नहीं। तो ये हमारी वेबसाइट का प्रोडक्ट पेज है, ये हमारा मोडाल है। यहाँ से हम गो टू कार्ट में करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा कार्ट पेज परफेक्टली रेंडर हो रहा है। यहाँ से हम इंक्रीज और डिक्रीज करके देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास परफेक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमने हुक्स में कन्वर्ट करके अपने ऐप डॉट जे एस के कॉम्पोनेंट को भी कितना रिड्यूस कर दिया है, फ्रॉम 96 लाइन्स टू इट्स 74 लाइन्स। और कार्ट कंपोनेंट को भी अगर देखें तो प्रीवियसली इट वाज अबाउट 96 लाइंस और अब हमने इसे डिक्रीज करके 84 लाइंस कर दिया है। मोर सो लाइन से ज़्यादा हमने इसमें फंक्शनैलिटी को रिड्यूस किया है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ इफेक्ट को दो लाइफ साइकिल मेथड्स में ब्रेक करने के बजाय एक ही मेथड के ज़रिए दो काम करवाए हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने रेंडरिंग को किसी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं या नहीं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे कितने कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं। सो हम करें अपने होम पेज या प्रोडक्ट पेज पे इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल टैब में जाएंगे, कंसोल टैब में क्लियर करेंगे कंसोल को और पेज रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 39 लॉग्स आए हैं और उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, फिर हेडर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है और उसके बाद उसके अंदर 18 प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स के अंदर फिर फर्दर 18 आइटम कार्ड्स रेंडर हो रहे हैं। तो उन सारों को मिला के 39 हमारे पास रेंडर्स हो रहे हैं। तो ये तो प्रोडक्ट पेज का हाल था। अब प्रोडक्ट पेज में अगर हम मोडाल ओपन करें तो देखते हैं कि कितने रेंडर्स हो रहे हैं। कंसोल हमारा क्लियर है। सो यहाँ पे हमारे पास 114 रेंडर्स हो रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं हो रहे हैं। इसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इसको क्लियर करेंगे और अब हम वापस क्लिक करेंगे कंटिन्यू शॉपिंग पे एंड अगेन हमारे पास 38 रेंडर्स हुए। अब इसको क्लिक करेंगे और दोबारा मोडाल ओपन करके और कंसोल क्लियर करेंगे और अब दोबारा जाएंगे गो टू कार्ट में। दिस टाइम हम रीडायरेक्ट होंगे कार्ट पेज पे। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 रेंडर्स हुए हैं, कार्ट हेडर कार्ट हेडर। कोड में जाते हैं अब दोबारा। जब हमने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हुक्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे पास दो हुक्स होते हैं जो कि इस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। एक होता है यूज़ मेमो और एक होता है यूज़ कॉल बैक, और यूज़ कॉल बैक यूजली हैंड्स इन हैंड्स चलता है रिएक्ट डॉट मेमो के साथ। तो प्रोडक्ट पेज में हमने रिएक्ट डॉट मेमो में अपने कंपोनेंट को रैप करवा लिया है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कंसोल क्लियर करते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोबारा से 39 लॉग शो हो रहे हैं, यानी कि फ़िलहाल रिएक्ट डॉट मेमो ने कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं की है। अब हम देखते हैं, हमने प्रोडक्ट पेज के ऊपर तो रिएक्ट मेमो लगा दिए, अब हम जाते हैं प्रोडक्ट डॉट जे एस के पेज पे और यहाँ पे भी रिएक्ट डॉट मेमो में इसको रैप कर देते हैं। इसी तरह आइटम कार्ड के अंदर जाते हैं और इसे भी रिएक्ट डॉट मेमो के अंदर रैप कर देते हैं।
मोडाल खोल के देखते हैं और अब आप देख सकते हैं कि हमारे रेंडर्स सिग्निफिकेंटली कम हो गए हैं। 114 से हमारे पास 42 रेंडर्स पे आ गया है हमारा मोडाल खोलने पे कॉम्पोनेंट जो री रेंडर होता है। ओके सो हमने देखा कि ब्राउजर पे जब हमने कार्ट पेज को रेंडर करवाया तो हमारे पास दो दफ़ा कार्ट का कंपोनेंट रेंडर हुआ और दो दफ़ा हेडर कंपोनेंट रेंडर हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि हमने यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट पे एक एक्शन डिस्पैच करवाया है जो कि हमारी प्रॉप्स को अपडेट करता है। तो फर्स्ट टाइम जब आपका कंपोनेंट माउंट होता है तो हेडर कंपोनेंट भी सिंस यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं तो हेडर कंपोनेंट एक दफ़ा रेंडर होता है और एक दफ़ा हमारा कार्ट का कंपोनेंट रेंडर होता है। और फिर उसके बाद कंपोनेंट माउंट होने के बाद जब अपडेट टोटल प्राइस का एक्शन डिस्पैच होता है सिलेक्टेड आइटम्स हमारे अपडेट होते हैं और जब हमारी प्रॉप्स अपडेट होती हैं तो हमारा कार्ट का कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होता है और जब कार्ट का कंपोनेंट दोबारा रेंडर होता है तो इसके अंदर हेडर कंपोनेंट भी दोबारा से रेंडर होता है। इसलिए वो 4 लॉग्स तो हमारे पास आएंगे ही और इसमें मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर फर्दर कोई ख़ास कॉम्पोनेंट्स पास नहीं हो रहे। एट दिस पॉइंट हमारी ऐप जो है वो एट मोस्ट ऑप्टिमल स्टेट पे है। इस लेक्चर के नेक्स्ट हाफ में हम देखेंगे कुछ यूटिलिटी लाइब्रेरीज को जो कि हम अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर यूज़ करते हैं जो कि जनरली भी मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है रिएक्ट ऐप का तो मोस्टली उसमें कंपनीज जो है वो इस तरह की फेमस और रिलायबल लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं फॉर बेटर यूआई, बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर डेवलपमेंट। कुछ फेमस जो लाइब्रेरीज हैं उनमें जो सीखेंगे आज वो है मटेरियल यूआई और सेकंड लाइब्रेरी जो हम सीखेंगे वो है लोडैश और ये एक यूटिलिटी लाइब्रेरी है जो कि हमें मॉड्यूलैरिटी, परफॉर्मेंस और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करती है। इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है कि इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये क्या क्या फीचर्स हमें प्रोवाइड करती है और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी सिखाऊंगी। प्रोजेक्ट में लोडैश लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोडैश लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। सो ई कॉमर्स ऐप के अंदर अगर हमने ये लाइब्रेरी यूज़ करनी हो तो हम इसी ऐप के अंदर जाके ऐप स्टॉप करके और npm i डैश डैश सेव का फ्लैग और लोडैश लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देंगे। इसको इस्तेमाल करने के कुछ तरीके यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पूरी लोडैश लाइब्रेरी को गेट करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं रिक्वायर लोडैश या फिर आप इंपोर्ट स्टैटिक फ्रॉम लोडैश भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक उनकी उनके फीचर को यूज़ करना है और आप नहीं चाहते कि आपकी पूरी लाइब्रेरी जो है वो लोड होकर आ जाए बिकॉज दैट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर बिल्ड, आपकी बिल्ड हैवी बनती है अगर आप पूरी की पूरी किसी लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करवा दें तो आप स्पेसिफिक फीचर्स को भी इस तरीके से इंपोर्ट करवा सकते हैं या रिक्वायर करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे। लोडैश यूज़ करने की रीज़न ये है कि ये एरर ऑपरेशंस काफ़ी हद तक आसान कर देता है, काफ़ी ईज़ हमें प्रोवाइड करता है एरेज या ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने या उनको मैनिपुलेट करने में। इसके अलावा हम नल चेक से बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इस तरह की यूटिलिटी लाइब्रेरी ना यूज़ कर रहे हो तो हमें हर जगह पे खुद से नल चेक्स लगाने पड़ते हैं जबकि लोडैश या लोडैश जैसी और लाइब्रेरीज जो होती हैं फॉर एग्जांपल रेमडा वो हमें इस तरह के यूटिलिटी फीचर्स प्रोवाइड करती हैं जिनको हम अगर यूज़ करें तो वो खुद ब खुद टेस्टिंग और नल चेक्स वगैरह को हैंडल कर लेती हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने तमाम अपने फीचर्स बताए हुए हैं, देयर लोड्स ऑफ फीचर्स। इसमें से कुछ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फीचर्स उनको हम अपनी ऐप में इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला फीचर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है गेट का। तो गेट बेसिकली क्या करता है कि गेट के अंदर आप प्रोवाइड कर देते हैं अपना ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट में से आपने जो प्रॉपर्टी गेट करनी हो उसका पाथ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं जो कि सॉर्ट ऑफ आपकी फॉल बैक वैल्यू होती है कि अगर
उस पाथ पे लेट्स से अनडिफाइंड हो या वो पाथ ना एग्जिस्ट करता हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू आपके उस वेरिएबल में सेव हो जाएगी जिसके लिए आप ये गेट का फंक्शन यूज कर रहे हैं। वापस कोड में जाते हैं, आप देख सकते हैं कि लोडैश की लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। वेरीफाई हम इस तरह करेंगे कि पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपेंडेंसीज के अंदर हमारी लोडैश लाइब्रेरी लिस्ट डाउन हो गई है। अब हम अपने पुराने एप डॉट जे एस को डिलीट कर देते हैं और इसी तरह हम अपने कार्ट के कॉम्पोनेंट को भी डिलीट कर देंगे क्योंकि ये भी क्लास कॉम्पोनेंट है जो कि अब हम नहीं यूज करेंगे। अब हम अपने एप डॉट जे एस के अंदर जाएंगे और इसमें हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ वैल्यूज गेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से जो कि हम लोडैश के गेट मेथड के थ्रू गेट करवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम गेट को इंपोर्ट करवा लेते हैं, सो हम लिखेंगे इंपोर्ट गेट फ्रॉम लोडैश स्लैश और यहाँ स्लैश के बाद हमारे पास सारे इसके मेथड्स आ जाएंगे जो हम यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे गेट यूज करेंगे। अब अगर हम अपने पहले हैंडल को देखें, हैंडलर को देखें, हैंडल क्लिक आउटसाइड, तो यहाँ पे हम इवेंट से टारगेट और टारगेट से फिर पेरेंट नोड गेट करें जिस पे हमने नल चेक नहीं लगाएगा। नल चेक ना लगाने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट नोड अनडिफाइंड आ गया तो यहाँ पे हमारा एरर आ सकता है और प्रोग्राम ब्रेक हो सकता है सिंस उसे टारगेट डॉट पेरेंट नोड अनडिफाइंड मिल रहा होगा, या लेट्स से इवेंट के अंदर उसे फॉर सम रीजन टारगेट का ऑब्जेक्ट ना मिला हो तो भी हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये काम कर सकते हैं कि एक कांस्टेंट बना लेते हैं टारगेट का जो कि हम इवेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर से गेट करेंगे। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सेकंड में आ जाएगा पाथ और पाथ हमारा होगा टारगेट जो कि हम एज अ स्ट्रिंग सेंड करेंगे और डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नल। इसी तरह यहाँ पे हम एक पेरेंट नोड का कांस्टेंट बना लेंगे जिसमें हम अगेन गेट के साथ इवेंट और इस दफा हम लिखेंगे टारगेट डॉट पेरेंट नोड, या फिर एक और काम कर सकते हैं कि बल्कि नहीं यही ठीक है और यहाँ पे हम फॉल बैक वैल्यू रख सकते हैं नल और इस तरीके से हम यहाँ पे चेक्स को कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि पेरेंट नोड और यहाँ पे भी इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड में पेरेंट नोड आ जाएगा। अब इसको ऐप को रन करके देखते हैं, सो ये मॉड्यूल ओपन हुआ और ये आप देख सकते हैं कि ये क्लोज भी हो रहा है जस्ट लाइक बिफोर। अब कार्ड के कंपोनेंट को देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो हम स्टेट से सिलेक्टेड आइटम्स गेट करवा रहे हैं, इस पर भी हमने नल चेक नहीं लगाया हुआ। फॉर एग्जांपल अगर इसमें सिलेक्टेड आइटम्स का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही ना करता हो तो यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू सिलेक्टेड आइटम्स की जाएगी और लेट्स से आप इस पर आइट्रेट करवा रहे हैं जो कि हम यहाँ पे करवा रहे हैं और इस पर अगर अनडिफाइंड वैल्यू जाएगी तो फिर ये ब्रेक करेगा हमारा लूप और यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम गेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ऐप डॉट जे एस में किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक एरर आ रहा है जो कि ये कह रहा है कि मैक्सिमम अपडेट
depth exceeded. This can happen when a component calls set state inside use effect, but use effect either doesn't have a dependency array or one of the dependencies changes on every render. But हमारे पास एरर आ रहा है कार्ट पेज में. वापस कोड में जाते हैं. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने यूज इफेक्ट बनाया था इसकी डिपेंडेंसी एरे में हमने सेलेक्टेड आइटम्स को भेजा है. सेलेक्टेड आइटम्स हमारे पास आ रहा है प्रॉप्स में. सो हम इस फंक्शन में जाएंगे और देखेंगे कि जहाँ से हम सेलेक्टेड आइटम सेंड करवा रहे हैं सही सेंड करवा रहे हैं या नहीं. यहाँ से हम पाथ में से ऑब्जेक्ट नेम निकाल देंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे आप जो भी पाथ लिख रहे हो वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर का पाथ हो, इसमें ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए. बैक टू मटेरियल यूआई. इस तरीके से मैंने आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया है कि किस तरह से आप लोडैश लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. वापस डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें इन्होंने इस तरह ग्रुप किया हुआ है कलेक्शन वाइज. एरे की फॉर एग्जांपल बात कर लें तो इसमें फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, जॉइन, रिमूव, स्लाइस, सॉर्टेड इंडेक्स, बहुत सारे यानी कि इसमें ऐसे प्रोवाइड करते हैं ये लोग फंक्शंस जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए और काफ़ी टाइम हमारा इनसे इन्हें यूज़ करके बच जाता है. तो आप जब भी कोई डेवलपमेंट करें, किसी भी ऐप की डेवलपमेंट करें, उसमें आप ये लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करके आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आप अपनी एप्लीकेशन में किस तरीके से इन्हें यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हम लाइब्रेरी देखेंगे वो है मटीरियल यूआई. मटीरियल यूआई एक यूआई बनाने के लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड की हुई है जिसके ज़रिए हम फास्टर तरीके से रिएक्ट कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं विद मॉडर्न लुकिंग यूआई. ये हमें बहुत सारे रियूजेबल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है जिनको हम अपनी प्रॉप्स प्रोवाइड करके जिस भी तरीके से हम उस कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं. इसके इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा ये पैकेज मटेरियल यूआई कोर का. नेक्स्ट हमें इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और हम जाएंगे अपनी index.html की फाइल में और यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे हेड के टैग के अंदर. यूजेज पे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर हमने मटेरियल यूआई का कोई बटन यूज करना हो तो हम उसमें से डिस्ट्रक्चर करवाएंगे बटन को और इस तरीके से हम उसे अपनी ऐप में यूज़ कर लेंगे कि बटन कंपोनेंट को कॉल करके. साथ ही उन्होंने बताया हुआ होता है कि आप कौन कौन सी प्रॉप्स पास कर सकते हैं, वो प्रॉप्स पास करके आप उनके कंपोनेंट को इजीली यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा ये थीम्स भी प्रोवाइड करते हैं. यहीं पे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है. यहाँ पे हम कंपोनेंट्स में जाएंगे और कंपोनेंट्स में आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ी लिस्ट है जिसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हम इनके यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने अपनी ऐप में हेडर डाला हुआ है तो यहाँ पे हम ऐप बार के कंपोनेंट को देख लेते हैं जो कि एक सिंपल सा हेडर है जिस तरह का हेडर हमारी ऐप में भी यूज़ हो रहा है और इसको इन्होंने यहाँ पे यूज़ करना भी सिखाया हुआ है कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत सारी हमें फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल इसमें हम सर्च फील्ड ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर हम मेन्यू ऐड कर सकते हैं, हम सर्च फील्ड की पोजीशन सेट कर सकते हैं, हम हेडर को इस तरह का बना सकते हैं कि ये डेस्कटॉप पे यूज़ हो जाए. लाइकवाइज बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं. यहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है उसमें इन्होंने ऐप बार का कॉम्पोनेंट लिया हुआ है और उसके अंदर उन्होंने मज़ीद एक और इनका कंपोनेंट है टूल बार का, उसको यूज़ किया है. उसके अंदर फिर फर्दर आइकन बटन को यूज़ किया है. आइकन बटन भी देख लेते हैं क्या है, किस किस्म का इनका कंपोनेंट है. टूल बार को भी देख लेते हैं, टाइपोग्राफी के भी कंपोनेंट को देख लेते हैं.
बेसिकली एप बार कॉम्पोनेंट के अंदर हम इनका टूल बार कॉम्पोनेंट सेंड करेंगे और उसके अंदर हमने अपनी जो भी यूआई रेंडर करवानी होगी हम उसे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल यूआई का पैकेज इंस्टॉल हो गया है। पैकेज डॉट जेसन में भी हमारे पास मटेरियल यूआई का पैकेज आ गया है। अब हम जाएंगे अपनी हेडर की फाइल में और यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्ट करवाएंगे एप बार के कॉम्पोनेंट को। जब आप डायरेक्टली ऐप बार को एक्सेस करेंगे तो आपको नेम इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है और यहाँ पे आप जहाँ रिटर्न करवा रहे हैं वहां ऐप बार के कंपोनेंट के अंदर इसको रैप कर देंगे। फिलहाल इस डिव को रिमूव करके देखते हैं कि हमारी ऐप बार कैसी शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी ऐप बार आ रही है एट द मोमेंट। इसमें हमने अभी टूल बार का कंपोनेंट नहीं डाला। इसी को कॉपी करके यहाँ पे टूल बार को इंपोर्ट करवा लेते हैं और इसके अंदर अब हम सेंड करते हैं टूल बार के कंपोनेंट को। और अब आप देख सकते हैं कि हमने अपने यूआई को टूल बार के कंपोनेंट में रैप किया तो ये खुद ब खुद इसने इसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया है। अब नेक्स्ट हम ये काम करते हैं कि ये जो हमने कार्ट का आइकन बनाया हुआ है इसको आइकन बटन बनाते हैं। सो यहाँ पे हम सर्च करते हैं आइकन बटन को। सबसे पहले इंपोर्ट करवा लेते हैं आइकन बटन को अपने कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि हम अपने आइकन बटन को कौन कौन सी प्रॉप्स सेंड कर सकते हैं। हम अपने आइकन बटन को चिल्ड्रन की प्रॉप्स सेंड कर सकते हैं, क्लासेस सेंड कर सकते हैं, कलर सेंड कर सकते हैं जिस भी कलर का हमने उस आइकन को रखना हो, डिसेबल्ड, डिसेबल फोकस रिपल, डिसेबल्ड रिपल, एज साइज, सब कुछ हम इसमें सेट कर सकते हैं। इसका एक डेमो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटन्स के अंदर इन्होंने आइकन बटन्स का एक डेमो दिया हुआ है। सिंपली इन्होंने आइकन बटन का कॉम्पोनेंट यूज करते हुए उसके अंदर सेंड करवाया है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है पूरा सोर्स कोड देखने की, तो हम इसके सोर्स कोड में देख लेते हैं। यहाँ से इन्होंने डिलीट आइकन मटेरियल यूआई के आइकन से ही उठाया हुआ है और वो आइकन बटन के अंदर सेंड किया हुआ है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि आइकन बटन के कंपोनेंट बना के और उसके अंदर हम अपना इमेज सेंड करवा देते हैं कार्ट का। और अब आप देखिए हमारे कार्ट पे हैंड कर्सर बना हुआ आ रहा है और अगर आप नोट करें तो हवर करने पे इस पे एक गोल दायरा सा भी बना हुआ आ रहा है जो कि ये डिनोट कर रहा है कि ये एक बटन है। अगर हमने मटेरियल यूआई के आइकन्स यूज करने हो तो हमें मटेरियल यूआई स्लैश आइकन्स का पैकेज इंस्टॉल करना होगा और फिर हम उन आइकन्स को बिल्कुल इसी तरह से इम्पोर्ट करवा सकते हैं जिस तरीके से हम इनके कॉम्पोनेंट्स को इंपोर्ट करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इनके इस पैकेज को अपने कॉम्पोनेंट के अंदर इंपोर्ट करवाऊँ, इंस्टॉल करवाऊँ, एक और आइकन बटन बनाती हूँ यहाँ से मैं इंपोर्ट करवा लेती हूँ। लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे अगर कार्ट आइकन है या नहीं। मटेरियल आइकन्स में जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे कार्ट के आइकन को और ये हमारे पास कार्ट का आइकन आ रहा है। यहाँ यहीं से हम इंपोर्ट करवा लेंगे और इस कार्ट आइकन को हम आइकन बटन के अंदर सेंड कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि सारे बटन्स जो है वो ऑन क्लिक की प्रॉप सेंड करना अलाउ करते हैं जिसके अंदर हम अपना हैंडलर सेंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी रिएक्ट कंपोनेंट, नथिंग न्यू। तो यहाँ पे हम आइकन बटन पे
यही वाला ऑन क्लिक सेंड करवाते हैं जो कि हमने इस आइकन को करवाया था. और फिलहाल इस आइकन को हम कर देते हैं कमेंट एंड लेट्स हेड बैक टू आवर ऐप. अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आइकन आ गया है. लेट्स चेक कि हमारा ऑन क्लिक सही चल रहा है या नहीं. सुबह आप देख सकते हैं कि हमारे ऑन क्लिक के हैंडलर जो हमने यहाँ पे लगाया वो बिल्कुल सही चल रहा है. अब हम देखते हैं कि अगर आपने इस ऐप बार को स्टाइल करना हो तो आप किस तरीके से स्टाइल करेंगे. आप खोलेंगे इंस्पेक्ट और ये एरो सेलेक्ट करके इसके ऊपर हवर करेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा वो कंपोनेंट जो कि आपने यूज़ किया है. तो यहाँ पे ये मेरा ऐप बार का कंपोनेंट है और ये मेरी टूल बार का कंपोनेंट है. पहले एक्सप्लोर करते हैं ऐप बार के कंपोनेंट को. तो इसमें इन्होंने एक क्लास है MUI ऐप बार डैश कलर प्राइमरी जिसमें बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है. अगर इसको रिमूव कर दें तो ये वाइट हो जाएगा. लेट्स से हमें इस स्पेसिफिक क्लास को ओवरराइड करना है तो वो काम भी मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह कर सकते हैं. बैक टू द कोड. इसका हल ये है कि हम हेडर की CSS फाइल में जाएं और यहाँ पे इस क्लास को और यहाँ पे इसे हम अगर इम्पोर्टेंट का एट्रीब्यूट दे दें तो आप देख सकते हैं कि ये अक्रॉस आवर ऐप चेंज विजिबल हो जाएगी. इसी तरह मटेरियल UI हमें टेबल्स बनाने के भी कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है. काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, काफ़ी प्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं. हर तरह का इसमें हम टेबल बना सकते हैं. आप देख सकते हैं कितनी सारी टाइप्स इन्होंने यहाँ पे शो की हुई है. हमें यहाँ पे मैंने डेमो पर्पज़ के लिए एक और कंपोनेंट यूज़ किया है मटेरियल UI का, टेबल कंपोनेंट. ये कंपोनेंट आप यहाँ से, ये कंपोनेंट बेसिकली मैंने इसका यूज़ किया है. टेबल कंपोनेंट ये है, इसको कहते हैं स्पैनिंग टेबल. ये हमारे रिक्वायरमेंट से सबसे करीब था. अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के टेबल हैं कि हमने जो टेबल बनाया उससे भी मिलता जुलता हमें एक टेबल मिल गया. इसको यूज़ करते हुए मैंने अपने कार्ड पेज को दोबारा से डिज़ाइन किया है सिंपल सा. सो ये मेरा कार्ड पेज है एम्प्टी स्टेट में. मैं वापस होम पेज जाऊँगी और यहाँ से आइटम सेलेक्ट करूँगी और कार्ड पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं और बिल्कुल उसी तरीके से मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है जैसा पहले चल रहा था. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इस ऐप को आप जितना मर्जी अच्छा डिज़ाइन करना चाहें, अब आपके पास मटेरियल UI की एक्सेस है. आप मटेरियल UI को एक्सप्लोर करें, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करें और जो कुछ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इस ऐप में बेहतर बनाने के लिए इस ऐप को, वो आप यूज़ करें. चाहें तो आप खुद से CSS लिख के और खुद से कंपोनेंट्स बना के और उसके थ्रू UI बनाए, पर ये मैंने आपको एक तरीका सिखा दिया है मटेरियल UI यूज़ करने का. मटेरियल UI के अलावा और भी बहुत सारी इस तरह की लाइब्रेरीज हैं. फॉर एग्जांपल एंटी, जो कि आपको डिफरेंट रीयूजेबल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं फॉर द सेम पर्पस और वो भी बहुत वाइडली यूज़ होती है. सो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं. आपका जो भी पर्पज़ हो, जैसे आपने चार्ट्स बनाने हो तो हो सकता है कि वो चार्ट्स आपको D3 लाइब्रेरी में ज़्यादा अच्छे मिले या हो सकता है आपको हाई चार्ट्स में ज़्यादा बेहतर मिले. सो ये आप रिसर्च से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बेस्ट कौन सी लाइब्रेरी है. और इन लाइब्रेरीज को यूज़ करना हमेशा एक अच्छा डिसीजन होता है. एक्सेसिव यूज़ या ओवर यूज़ या जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे आप इसे ना यूज़ करें, लेकिन फॉर कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स इट्स ऑलवेज बेटर टू फर्स्ट रिसर्च के इस तरह का कॉम्पोनेंट अगर कोई लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है तो इंस्टेड के आप फ्रॉम द स्क्रैच एक कॉम्पोनेंट को लिखें, आप एक प्रोवाइडेड कॉम्पोनेंट को यूज़ करें और अपनी डिवेलपमेंट को फास्ट बनाएँ.
सो आज के एपिसोड में हमने सीखा हुक्स को हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लोडैश लाइब्रेरी, मटेरियल यूआई लाइब्रेरी और इन दोनों की इंटीग्रेशन रिएक्ट एप्लीकेशंस में। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। हमने इस सिक्स लेक्चर के एंड पे रिएक्ट के मोस्ट कॉन्सेप्ट्स जो है वो कवर कर लिए हैं, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हों या एडवांस कॉन्सेप्ट्स हों, काफ़ी हद तक हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा सिंस रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरीज गेट अपडेटेड वेरी ऑफन, तो विद टाइम आप खुद से भी इसको स्टडी करके और न्यू कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। मैं फिर भी आपको इनक्रेज करूँगी कि आप रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर गो थ्रू करें और जो कॉन्सेप्ट्स आपने यहाँ से सीखे हैं उनको वहाँ जाके भी रीड करें, और उसके अलावा वहाँ पे और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको आप कवर करें। मैंने काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं रिएक्ट के जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट यू विल स्टिल फाइंड सम कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके लिए, अगर आप स्टडी करें तो आपकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए अच्छे रहेंगे। So that's it for this lecture. See you in the next lecture, जो कि हमारा last lecture होगा.